एक कटोरी में एक चम्मच तेल लेना है। इस तेल में कुछ मसाले डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़ा सा नमक है, अब डाल देंगे एक चम्मच चाट मसाला और अदरक लहसुन का एक चम्मच पेस्ट डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो नमक वगैरह मसाले अच्छे से मिक्स होने चाहिए। अब पनीर की क्यूब डाल देंगे, अब पनीर को भी इन मसालों से कोट कर लेंगे, इनको साइड से करके रख देंगे। अब एक कटोरी धुली हुई मूंग की दाल ली है, ये धुली हुई दाल है मूंग की, इसको अच्छे से पानी से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसको आधा घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। आधा घंटे में मूंग दाल अच्छे से सोख हो जाती है। आधा घंटे के बाद इसका पानी निकाल देंगे और आप देख सकते हैं दाल बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और इस दाल को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मिक्सी के जार में दाल को डालने के बाद इसमें अदरक और कुछ हरी मिर्च डाल देंगे, एक डेढ़ इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्च और एक चम्मच पानी डालकर इसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है। देख पा रहे होंगे आप बहुत अच्छे से दाल पिस चुकी है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें नमक थोड़ा ऐड करना है, नमक डाल देंगे। नमक को मिला लिया है दाल में अच्छे से। अब इसमें डाल दी है एक चम्मच सूजी और डाल दिया है इसमें थोड़ा सा इनो पाउडर। इनो पाउडर डालने के बाद ये थोड़ा फूल जाएगा, फ्लफी सा हो गया है। अब एक पैन लिया है, अब इसमें मैंने तेल डाल के बटर पेपर से इसको पोंछ दिया है। अब 2 से 2.5 चम्मच डाल देंगे इसमें हम, बड़ा वाला ये चम्मच है, और बैटर को फैला देंगे। ये मूंग दाल का चीला तैयार हो रहा है, इसको ढक के 3 से 4 मिनट पका लिया। ऊपर की लेयर इसकी ड्राई हो गई है, अब इसको पलट देंगे। गैस के फ्लेम को लो रखना है जिससे दाल अंदर तक अच्छे से पक जाए। अब डाल दिया हल्का हल्का किनारे पे तेल, उसके बाद ऊपर से डाल दिया है पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस। अब डाल देंगे हम मोज़रेला चीज़, इसको अच्छे से चीज़ को अच्छे से पूरे चीला पे फैला देना है। अब कुछ सब्जियां और कॉर्न लिया है, इस पर प्याज है, टमाटर है और स्वीट कॉर्न है, इसको सेट कर देंगे इसी पिज़्ज़ा के ऊपर और बीच बीच में आइस की क्यूब रख देंगे जो हमने मसाले में कोट करके रखी है। ऊपर से फिर से थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे और इसको ढक करके 3 से 4 मिनट पका लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से चीज़ भी अच्छे से कवर कर रखा है चीला को। ये मूंग दाल का चीला बोल सकते हैं, मूंग दाल का पिज़्ज़ा बोल सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी है। ऊपर से चिली फ्लेक्स डाल दिया है।